वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चावल के आटे के कुली पीठे। यहाँ पे हमने नारियल ले लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया, और यहाँ पे हमने 250 ग्राम गुड़ ले लिया। अब हम चूल्हा चालू करेंगे। अब सबसे पहले हम नारियल डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की नारियल लिया है। 1 मिनट हमें ऐसे भूनना है। 1 दालचीनी की टुकड़ा डाल देंगे, 1 इंच, 1/2 कप पानी डालेंगे। अब हम गुड़ डालेंगे इसमें। तीन चार इलायची लिया था हमने, उसको भी कूट के डाल दिया। यहाँ पे हमने 7-8 काजू ले लिया, जिसको हमने 1 काजू को तोड़ के 3-4 टुकड़े करके ले लिया, इसको हम डाल देंगे। अभी हम मिश्रण को चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमने 1 प्लेट ले लिया है, जिसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लेके अब हम इसको ऐसे उठा के देखेंगे। अभी गर्म है। अभी मिश्रण बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम एक थाली में इसको निकल के ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमने फिर से कढ़ाई चालू कर दिया। अब हम 2 गिलास पानी डालेंगे, इसी गिलास की गर्म होने की वेट करेंगे। पानी कुनकुन गर्म हो गया। अब हम नमक डाल देंगे पानी में। पानी गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम आटा डालेंगे, चावल की आटा डालेंगे। थोड़ा सा डाल के हम इसको चलाएंगे। हमें चावल के आटे की खमीर बनाना है। सब डाल देंगे। खमीर हमारा रेडी। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। थाली में हम पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। 2 गिलास पानी लिया था हमने, जिस गिलास से पानी लिया था उसी गिलास की 2 गिलास आटा। 2 मिनट में खमीर बनके रेडी हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इनमें से हाफ अभी हम कढ़ाई में ढक के डाल देंगे, और जो हाफ है इसको हम बनाएंगे। अभी ऐसा छोटा साइज की कटोरी ले लिया है, इसमें ऐसा कट करेंगे रोटी को। अभी हमने जो पुड़ बनाया था उसको हम डाल देंगे इसके बीच में, ऐसे डालेंगे। फिर हम इसको ऐसे उंगली से दबा के ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे। दो मिनट में सेक जाती है ये पुली, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। हो गया। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। जिन लोगों को तेल पसंद नहीं है उनके लिए मैं दूसरे तरीके बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें एक छन्नी रख देंगे। छन्नी में मैंने ऑयल लगा लिया। अब हम ये कुली पीठे को इसके ऊपर रखेंगे। दूसरे साइड भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक्कन लगा के रखेंगे, फिर हम 2 मिनट बाद निकाल लेंगे इसको। 2 मिनट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। चैनल में नया हो आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।